ट्रेन क्रमांक 11753/4 रीवा इतवारी एवं इतवारी रीवा एक्सप्रेस के समय सारणी में बदलाव करने की मांग रेल सलाहकार समिति सदस्य भैरोमल गोपलानी, इंजीनियर जसपाल सिंह चावला एवं लक्ष्मण लधानी द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु की गई। भैरोमल गोपलानी द्वारा इतवारी रीवा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग ज्ञापन में प्रमुखता से रखी गई है। वर्तमान में रीवा इतवारी एक्सप्रेस इतवारी से शाम 6:30 बजे प्रारंभ होती है, उसके बाद रात्रि 9 बजे गोंदिया पहुंचती है। मध्य रात्रि ट्रेन नैनपुर पहुंचकर लगभग 2 घंटे खड़ी रहती है, फिर सुबह जबलपुर पहुंचती है। सलाहकार समिति सदस्यों एवं भैरोमल गोपलानी ने यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विभाग से मांग की है कि इतवारी रीवा एक्सप्रेस को रात 9 बजे इतवारी से छोड़ा जाए, जिससे करीब रात 11 बजे ट्रेन गोंदिया पहुंचे, उसके बाद सुबह जबलपुर। ज्ञापन में इंजीनियर जसपाल चावला ने मुख्य रूप से पैसेंजर ट्रेनों से स्पेशल दर्जा खत्म कर एक्सप्रेस का किराया लेना बंद किया जाए और पहले की तरह लोकल ट्रेनों का किराया शुरू किया जाए। चावला ने ज्ञापन में लोकल ट्रेनों में लोकल किराया लागू करने, सुपर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में MSG सुविधा दोबारा शुरू करने के साथ साथ रायपुर तक सीधी MSG सुविधा प्रारंभ करने की भी मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक गोंदिया भंडारा, सांसद सुनील मेढे, पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल और आमदार विनोद अग्रवाल को भी भेजी गई है। समिति सदस्यों को पूर्ण विश्वास है कि रेल प्रशासन उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द रेल यात्रियों की सुविधा हेतु स्वीकृत करेगा। रेल सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा आज हम एक ज्ञापन SS आगे जी को दे रहे हैं, जिसमें हमने मंडल रेल प्रबंधक जी से 2 मांगे की है। एक, रीवा से इतवारी चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके समय सारणी में बदलाव किया जाए, उस ट्रेन को इतवारी से रात्रि 9 बजे छोड़ के 11 बजे गोंदिया लाया जाए और उसके बाद यहां से जबलपुर के प्रस्थान करवाया जाए। उसका साथ ही एक MSP का विषय भी हमने दिया है कि मध्यम वर्गीय एवं गरीब तबके के लोगों के लिए जो MSP है वो सुपर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में भी चालू किया जाए, उसकी अनुमति दी जाए। साथ ही जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही है उनका स्पेशल दर्जा खत्म करके उनका किराया जो है वो पैसेंजर का किराया लिया जाए। यह हमने कुछ मांगे इस ज्ञापन के थ्रू मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विभाग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को भिजवाई है। मैं धन्यवाद करता हूँ। गोंदिया से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।